Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. Dr. Homi Bhabha बाल वैज्ञानिक कॉम्पिटिशन इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं. अभी एग्जाम के लिए कुछ ही दिन बाकी है तो प्रिपरेशन बहुत जोरों शोरों से चल रहा है. क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस रखना इस लास्ट स्टेज प्रिपरेशन में बहुत ज़रूरी है. इस प्रैक्टिस में मेरी आपको मदद हो सकती है. आप मुझसे चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक परचेस कर सकते हो. इसकी कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल है एंड दिस इज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन मोड. पेमेंट भी आपको ऑनलाइन करना है एंड यू विल गेट ऑल दिस क्वेश्चन पेपर्स अलोंग विथ 4 मेगा टेस्ट. ऑनलाइन मोड पर ही ये सब अवेलेबल है तो ये ज़रूर लीजिए. इससे आपका एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा. आज का क्वेश्चन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 2023 के पेपर से लिया हुआ. द क्वेश्चन इज अ फोर्स विच रिक्वायर्स फ्रिक्शन टू प्रोड्यूस इट बट विच वंस प्रोड्यूस्ड अफेक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स. तो हमेशा की तरह चारों ऑप्शन को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि हम आंसर तक पहुंच पाते हैं. मस्कुलर फोर्स, द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स. मतलब आप कुछ सामान उठा रहे हो, सामान खींच रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, हर जगह कौन सा फोर्स एक्ट करेगा तो वो होगा मस्कुलर फोर्स. आपकी मसल्स की वजह से जो एक्ट करेगा. सेकेंड टाइप है मैकेनिकल फोर्स, द फोर्स अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ मशीन. मिक्सर है, ट्रैक्टर है, स्विंग मशीन है, ये अलग अलग तरीके की जो मशीन्स हैं जिनकी वजह से फोर्स जो प्रोड्यूस होता है, द फोर्स विच इज एक्टेड अपॉन, वो होता है मैकेनिकल फोर्स. ठीक है, फिर देखो मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज फोर्स एग्जर्टेड बाय मैग्नेट. हमने फन विथ मैग्नेट पूरा चैप्टर पढ़ा है इसके बारे में. तो आप जानते हो मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट हो, एक मैग्नेट हो, दैट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल एंड दिस इज व्हाट मैग्नेटिक फोर्स इज. फोर्थ टाइप इज स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स. तो यहाँ पर जो कुछ मटेरियल है जैसे कि रबर है, प्लास्टिक है, इबोनाइट है, ड्यू टू फ्रिक्शन दे एग्जर्ट अ फोर्स which is due to the electrically charged material and that we call as a electrostatic force. जिसमें देखो इस तरीके से हम कंघी है उसे अगर हमारे हेयर पर रब करें एंड उसे हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े है उसके पास लेके आए तो वो टुकड़े उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो दिस इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दिस डजंट नीड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. दूर से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं. और जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है फ्रिक्शन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट. हम इस कंघी को घिस रहे हैं ना हमारे हेयर्स के ऊपर, तो दिस इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. तो इस वजह से आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी. ठीक है, ये इमेज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की स्टैंडर्ड 6 की साइंस के टेक्स्ट बुक से ली गई है. आपने पढ़ी होगी बुक तो उसमें ही आपको इमेज मिल जाएगी. इस तरीके से आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ. और भी वीडियोस लेकर आ रही हूँ जब तक हमारी एग्जाम हो रही है. चैनल को देखते रहिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए. All the best for your preparation. Thanks for watching.